गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में वायरस और विरोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस जो प्लांट प्लांट जो वायरोलॉजी है, इसका मतलब प्लांट वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये स्टडी करना प्लांट के जो वायरसेस है ना, प्लांट के अंदर जो प्लांट में जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं जो प्लांट को, तो उनकी स्टडी करने को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। Biology is the study of plant viruses. Virus का मतलब क्या होता है? Virus का मतलब होता है poison fluid. एक fluid जो कि poisonous है, ठीक है? संस्कृत में इसका मतलब होता है विष, विष यानी poison, ठीक है? तो बाउडेन ने कहा था 1964 में, उन्होंने बताया, उन्होंने दिया कि एक सब माइक्रोस्कोपिक, एक उन्होंने वायरस के बारे में बताया कि ये एक ना सब माइक्रोस्कोपिक है, जिसे हम माइक्रो से ही देख सकते हैं। इन्फेक्शन, ये जो ना इन्फेक्टिंग एंटिटीज है जो मल्टीप्लाई करती है इंटरसेलुलरली ही, सेल में ही मल्टीप्लाई करती है, इसी पोटेंशियली ये पैथोजेनिक है, ठीक है? अब मैथ्यूज आए 1981 में, उन्होंने बताया कि ये इतना सेट है, सेट ऑफ वन, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का सेट है ये, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन कोड का हुआ बना हुआ, मतलब एनकास्ट करता है प्रोटीन कोड को, और ये ऑर्गेनाइज करता है खुद का ही रेप्लिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है ओन रेप्लिकेशन, कब, जब उसको एक सुटेबल होस्ट मिलता है ना, तो उसमें ये खुद का रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो बेसिकली बात ये है कि जो वायरस होता है ना, इसका ना खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, खुद का इसका अपना खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जब इसका, जैसे बैक्टीरिया, अभी तक हमने पढ़ा फंजाई, बैक्टीरिया है ना, स्पायरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा, इन सब के क्या हो रहे थे, इन सब की ना अपनी स्ट्रक्चर थी, ठीक है, भले ही फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा इनमें बॉल नहीं था, ठीक है, बॉललेस थे ये, बैक्टीरिया में बॉल था प्रेजेंट, है ना, तो ये बॉललेस थे, लेकिन फिर भी इन सब के अपने खुद के तो स्ट्रक्चर थे। लेकिन वायरस में क्या होता है, वायरस जो है ना, इसमें इनका ना खुद का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, ये अब इनका स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर जब इनका स्ट्रक्चर नहीं है तो ये सरवाइव कैसे करेंगे, है ना? तो ये क्या करते हैं कि ये ना एक अपना सुटेबल होस्ट ढूंढते हैं, एक ऐसा होस्ट को ढूंढते हैं जो इनके लिए ना सुटेबल हो, जहां पे ये उनका जो होस्ट है ना, होस्ट का जो सेल है उसको हाईजेक कर लेते हैं, ठीक है, उसको हाईजेक कर लेते हैं, और हाईजेक करने के बाद क्या हो सकते हैं, ये वहां पे ये अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, दूसरे का सेल को हाईजेक कर लेना और फिर रेप्लिकेशन करने लग जाना, फिर मल्टीप्लाई रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देना, ये इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा सिर्फ वायरस ही करता है, ठीक है। अब वायरस का प्रोडक्शन डिपेंड करता है किस चीज पे, वायरस का प्रोडक्शन डिपेंड करता है, वायरस का प्रोडक्शन डिपेंड करता है होस्ट के प्रोटीन सिंथेसाइजेस मशीनरी पे। जो होस्ट होता है, होस्ट का जो प्रोटीन है, किस तरीके से उसका प्रोटीन सिंथेसाइजेस हो रहा है, होस्ट का जो प्रोटीन सिंथेसाइजेस मशीनरी है ना, किस तरीके से है, उस पर डिपेंड करता है कि वायरस का प्रोडक्शन कैसे, मतलब वायरस का जो प्रोडक्शन है उस पर डिपेंडेबल करेगा। और रिक्वायर्ड मटेरियल, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है होस्ट से, उस पर भी वायरस का प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लांट वायरस के, इम्पॉर्टेंट अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो जो प्लांट वायरस होता है वो कैसा होता है, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। ये ना पास होता है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है ना, जिससे हम बैक्टीरिया को पास करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया पास नहीं हो पाता है, लेकिन ये पास हो जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है फिल्टरेबल एजेंट। क्या कहा गया है, फिल्टरेबल एजेंट्स, यानी कि ये फिल्टर से भी, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है ना, उससे भी पास हो गया है, ठीक है, उससे भी छन के निकल चुका है। और ये कैसा है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि एक लिविंग, उसमें ही जो लिविंग होस्ट है ना, ये उसी पे रहता है, लिविंग होस्ट पे ही रहता है। अगर ये जैसे बाहर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे ही बाहर है ये, तो ये लाइव नहीं है, ठीक है, इसलिए हम वायरस को क्या बोलते हैं, लेकिन जब उसके कांटेक्ट पे लिविंग होस्ट आता है ना, तो लाइव हो जाता है, वो तुरंत ही मतलब लिविंग हो जाता है। अगर लिविंग होस्ट उसके कांटेक्ट पे आता है तो लिविंग हो जाता है,
अगर नहीं कोई लिविंग होस्ट नहीं मिल रहा उसको, तो वो एज ए नॉन लिविंग जैसे पड़ा है, ठीक है। और ये कैसा था, हाईली इंफेक्शियस होता है, बहुत ज्यादा इंफेक्शियस होता है, वायरल जो होता है इंफेक्शियस होता है, यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और होस्ट स्पेसिफिक होता है, होस्ट का स्पेसिफिक है ये, कि मतलब ये अपने होस्ट को, अगर स्पेसिफिक होस्ट है तभी ये मल्टीप्लाई इंफेक्शियस कॉज करेगा। इसमें क्या होता है कि डू नॉट हैव लिपन सिस्टम, लिपमन सिस्टम इसमें नहीं होता है, एंजाइम सिस्टम होता है इसमें, जो कि एनर्जी जनरेशन, एंजाइम सिस्टम किस लिए होता है, एनर्जी जनरेशन के लिए, एंजाइम सिस्टम के थ्रू ये वर्क करता है, पजल्स करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पजल्स करता है और कमांड करता है होस्ट के सेल को, ठीक है। जो होस्ट है ना, होस्ट को कमांड करता है कि प्रोड्यूस करे एंजाइम्स को, क्योंकि ये होस्ट का जो सेल है उसको क्या करता है कि हाईजेक कर लेता है। अब जब इसने होस्ट के सेल को हाईजेक किया तो इसको तो अपना मल्टीप्लीकेशन करना ही है, तो मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसके लिए क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, ये होस्ट के सेल को कमांड करेगा कि वो प्रोड्यूस करे ऐसे एंजाइम्स को, ठीक है, एंजाइम्स को वो प्रोड्यूस करे। और ये एब्सोल्युटली पैरासिटिज्म है, ये एक पैरासिटिज्म है, क्यों, क्योंकि दूसरे की बॉडी को हाईजेक कर रहा है, तो ये पैरासिटिज्म है। और डिपेंड करता है होस्ट के प्रोटीन में सिंथेसाइजेस करेगा मशीनरी, होस्ट के प्रोटीन पे ये डिपेंड करेगा और सिंथेसाइजिंग मशीनरी पे ये डिपेंड करेगा कि अगर होस्ट का प्रोटीन इसके लिए ससेप्टिबल है, स्पेसिफिक है, होस्ट है, और उसके मशीनरी पे ये डिपेंड करेगा। मल्टीप्लीकेशन इसका जेनेटिकली मटेरियल से होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकल मटेरियल से होता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए, इससे ये जो डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इससे ये इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। कोई भी बाइनरी फिशन नहीं होता, बाइनरी फिशन क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, बाइनरी फिशन टेक प्लेस नहीं होता है। वीरियॉन्स क्या होता है, वीरियॉन्स का टेक्निकली ये वायरस का ही नाम है, वायरस पार्टिकल है, लेकिन जो वीरियॉन है ना, ये कंसिस्ट करता है एक न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को, जो प्रोटेक्टेड किया जाता है प्रोटीन कोड से, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ये केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, जो वीरियॉन है ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है प्रोटीन कोड से। और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी कैप्सिड में, जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और ये म्यूटेट होता है और प्रोड्यूस करता है स्ट्रेन को, म्यूटेंट होता है ये, जल्दी ही म्यूटेंट होता है, म्यूटेशन इसका टेक प्लेस होता है और ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेन को। नेक्स्ट वन, अब जीनोम, जो जीनोम है, जो मेजॉरिटी इसमें आरएनए कैसा होता है, ये टैबो मोजो वायरस होता है, जीनोम में मेजॉरिटी अगर आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होता है टैबो टोबैमोको वायरस, सॉरी, इसमें अगर आरएनए प्रेजेंट है मेजॉरिटी में, तो टोबैमोको वायरस यानी कि जो टोबैको है ना, टोबैको में एक मोजैक वायरस डिजीज कॉज करता है। अगर फ्यू डीएनए, बहुत ही कम अगर डीएनए प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पॉलीमो वायरस, जो पॉलीमो वायरस है, एक्चुअली इसमें वायरसेस में ना, जो प्लांट वायरसेस है ना, उसमें सबसे ज्यादा आरएनए ही प्रेजेंट होता है, तो फैमिली जो बिलोंग करती है इसमें जो आता है कि टोबैमो जो वायरस है ये कॉज उसमें होता है, और पॉलीमो वायरस में फ्यू डीएनए होता है, ठीक है, इसमें कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस है। जेमिनी वायरस ग्रुप में क्या होता है, सब ग्रुप होता है मेज स्ट्रिक वायरस इसमें फॉर्म करता है। मल्टी कंपोनेंट वायरसेस, अब वायरसेस का मल्टी कंपोनेंट, बाई पार्टाइट वायरस होता है, ट्राई पार्टीट वायरस होता है, मल्टी पार्टीट वायरस होता है, यानी कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जो डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है कंपोनेंट, इसका मल्टी कंपोनेंट होते हैं वायरसेस में। अब मेन ये कैसे मेंटेन करता है डेफिनेट शेप को, ठीक है, इसका मेंटेन डेफिनेट शेप, रॉड एंड ओपन, अगर रॉड का ना एंड ओपन है तो ये कैसा है, रिज रॉड, तो रिजिड होता है जो रॉड होता है, एग्जांपल टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। फ्लेक्सिबल अगर रॉड है, रॉड अगर रिजिड है, अगर हार्ड है, कठोर है, तो टोबैको मोजैक वायरस,
अगर फ्लेक्सिबल है तो पॉटी वायरस, ठीक है, अगर पॉलीहाइड्रल वायरस है, पॉलीहाइड्रल वायरस है तो स्पेरिकल या आइकोसेंड्रल वायरस है, एग्जाम्पल जैसे टोबैको नेक्रोसिस और कुकुम्बर मोजैक वायरसेस। बेसी फॉर्म में है अगर वायरस तो एंड जो है वो कवर्ड करता है प्रोटीन सब यूनिट्स को, जो एंड होता है ना वो कवर्ड करता है प्रोटीन सब यूनिट्स को, एग्जाम्पल अल्फा अल्फा मोजैक वायरसेस। और फोर्थ वन है जेमिनी वायरसेस, जो जेमिनी वायरस है उसमें जो मेज स्ट्रिक वायरस है वो कॉज करता है, जेमिनी वायरस जो है वो मेज स्ट्रिक वायरस को कॉज करता है, बायोलॉजिकल एंजिमा, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस, जो प्लांट वायरसेस है उसके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है प्लांट वायरसेस का वो इस प्रकार है कि ये किंगडम, इनका जो किंगडम है वो क्या है, वायरसेस है, किंगडम इसका वायरसेस है। और आरएनए वायरसेस, ठीक है, आरएनए वायरसेस अगर है इसमें क्लासिफिकेशन में, अब पहले हम देखेंगे दो टाइप के, एक आरएनए होगा वायरस में अगर तो क्या होगा, और डीएनए होगा तो, आरएनए और डीएनए दोनों ही टाइप्स में हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे सबसे पहले आरएनए, तो आरएनए में क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड अगर आरएनए है, एक ही सिंगल स्टैंड का आरएनए है वायरसेस में, तो वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें क्या आएगा, एक रॉड शेप का पार्टिकल्स होंगे, रॉड लंबे ऐसे रॉड टाइप में होंगे, या फिलामेंटस पार्टिकल्स होंगे, यानी कि फिलामेंटस टाइप के होंगे। अगर रॉड शेप का पार्टिकल्स है तो उसका एग्जाम्पल है टोबैमो वायरस, टोबैमो वायरस का, यानी कि टोबैको मोजैक वायरस, ये टोबैको पे कॉज करता है, ठीक है। और फ्लोरो वायरस, फ्लोरो वायरस ये पोटैटो पे, पोटैटो टॉप वायरस है ये, तो ये पोटैटो पे कॉज करेगा। ये कैसा है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है लेकिन रॉड शेप का है, सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन रॉड शेप का है। अब नेक्स्ट वन है फिलामेंटस पार्टिकल, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है लेकिन कैसा है, फिलामेंटस है। पॉटेक्स वायरस, पॉटेक्स वायरस है जिसको हम बोलते हैं पोटैटो वायरस एक्स। और नेक्स्ट वन है पॉटी वायरस, तो जो पॉटी वायरस है वो पोटैटो वायरस वाई है, और बहुत इम्पोर्टेंट ये है जो पोटैटो वायरस वाई है ना, जो पॉटी वायरस है ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि आरएनए ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, अगर पॉटी वायरस है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, फिलामेंटस है या रॉड शेप है, तो आपको बताना है कि फिलामेंटस आरएनए है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, फिलामेंटस पार्टिकल है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है पॉटी वायरस, ठीक है। सो पॉटी वायरस पोटैटो इज ये कॉज किसमें करता है, पोटैटो में ये वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट वन है आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स, तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था उसमें आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स है, थर्ड वन। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि जो वाइका वायरस है, ठीक है, वाइका वायरस ये किसमें होता है, राइस ट्रोंग्रो वायरस, बहुत फेमस है राइस ट्रोंग्रो वायरस, उसमें कौन कॉज करता है, वाइका वायरस। कोमो वायरस, कोमो वायरस किसमें कॉज करता है, काउपी मोजैक वायरस, ठीक है, काउपी पे कॉज करेगा। टॉस्को वायरस, टॉस्को वायरस कॉज करता है टोबैको स्पॉट, टोबैको स्पॉटेड विल्ट वायरस, जो टोबैको टोमेटो सॉरी जो टोमेटो पे स्पॉटेड विल्ट वायरस होता है ना टोमेटो पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस किसी वजह से कॉज, कौन कॉज करता है, टॉस्को वायरस कॉज करता है, ठीक है। नेपो वायरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेपफेन लीफ वायरस बोलते हैं इसे, नेपो वायरस को ग्रेपफेन लीफ वायरस। और पोटैटो लीफ रोल वायरस, जो पोटैटो पे कॉज करते हैं, पोटैटो लीफ रोल वायरस। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वायरसेस वो है पोटैटो लीफ रोल वायरस पहला, नेपो वायरस किससे कॉज, किसमें कॉज होता है, ग्राफ लीफ फैन वायरस में कॉज होता है, और टॉस्को वायरस जो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस है, ठीक है, और पॉटी वायरस जो कि पोटैटो पे कॉज करता है, और टोबैमो वायरस जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस में क्या आता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हम देखेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस में क्या होता है, आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स, ठीक है,
आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और कॉलिमो वायरस कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस इसमें कॉज करता है। और इसमें जो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए में, और जो डीएनए है तो डीएनए में क्या होता है कि कॉलीफ्लावर में ये कॉज हमेशा कई बार पूछा गया है कि कॉलीफ्लावर जो है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, इसका डीएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो इसका आंसर है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। बहुत बार पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस कैसा है, क्योंकि यही एक ऐसा वायरस है जो जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस सिर्फ यही एक है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस ही अकेला है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हमें देखने के लिए मिलता है। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है वो जेमिनेट पार्टिकल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। जेमिनेट का मतलब होता है ट्विंस टाइप के, ठीक है, जेमिनी वायरस है जो कि मेज स्ट्रिक वायरस को कॉज करता है, मेज स्ट्रिक वायरस। और सिंगल आइसोमेट्रिक अगर पार्टिकल है तो वो बंची टॉप वायरसेस कॉज करता है। बंची टॉप डिजीज किस में होती है, बनाना में। और कौन कॉज करता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पार्टिकल्स क्या है, बंची, कई बार बोल दिया, पूछा जाता है कि बंची टॉप इज कॉज बाय किससे होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा। तो इसका सही जवाब है वायरस से होता है, बंची टॉप वायरस, नाम है बंची टॉप वायरस। और किसमें होता है, कौन से फ्रूट क्रॉप में होता है, बनाना में होता है, जहाँ पे क्या होता है बंच होता है ना, जो बंच उसके बंच में ना ये अफेक्ट करता है, बनाना का जो बंच होता है तो बंच में ये अफेक्ट करते हैं, बंच की, इसलिए इसको पूरा बंच टाइप में वो हो जाता है, इसलिए इसको हम बंच टॉप वायरस बोलते हैं। बनाना ट्रीज में, सॉरी, बनाना ट्री में कॉज करता है ये, है ना, तो बंची टॉप वायरसेस इसको कहा जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन डीएनए और आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डीएनए और आरएनए का जो क्लासिफिकेशन है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही छोटा है इस क्लासिफिकेशन इसमें वायरसेस का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। अब जो इंटरनेशनल कमिटी है आईसीटीबी, उन्होंने जो टैक्सोनॉमी दिया है वायरसेस का वो किस प्रकार है, उन्होंने बताया, उन्होंने किस प्रकार वायरसेस को डिस्ट्रीब्यूशन किया, उन्होंने किया है जेनेटिक मटेरियल के, जेनेटिक मटेरियल के तरीके से, पहले तो जेनेटिक मटेरियल से किया उन्होंने कि जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डीएनए है उसमें प्रेजेंट या आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, पहले उन्होंने इस तरीके को पूछा कि डीएनए अगर प्रेजेंट है तो डीएनए के तौर से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, और अगर आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनए से। अब डीएनए में भी उन्होंने ये देखा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, और आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिर्फ एक ही में, वो किस में है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस में प्रेजेंट है। अभी तक जो प्रेजेंटली प्लांट वायरसेस 27 ग्रुपों में, ठीक है, अभी तक हमने 27 साइंटिस्टों ने अभी तक 27 ग्रुपों में ही इसे आइडेंटिफाई किया है, 27 ग्रुप्स में इसको आइडेंटिफाई किया, 27 ग्रुप्स में किया है। ठीक है, अब अमंग दिस ग्रुप्स, इन ग्रुप्सों में दो ग्रुप्स है जो कि जो दो ग्रुप्स है फैमिली, जो रेप्डोविरिडे, मतलब ये जो दो ग्रुप्स है रेप्डोविरिडे और रिवोविरिडे। ठीक है, जो रेप्डोविरिडे और रिवोविरिडे है ना, ये इंपैक्ट करता है प्लांट को भी, कर रहा है इवन, और एनिमल्स को भी करता है, एनिमल्स हो गया, अर्थपॉड्स हो गया, इनको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, यही सिर्फ इन पूरे ग्रुपों में से, जो 27 ग्रुपों में से ये दो ऐसे हैं कि जो कि प्लांट को भी अफेक्ट करेगा और एनिमल को भी अफेक्ट करेगा, वरना बाकी के जो बच्चे 25 है ना, वो सिर्फ प्लांट को ही अफेक्ट करते हैं, उनका, उनको वो एनिमल को अफेक्ट नहीं करते, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो रेप्डोविरिडे है, रेप्डोविरिडे और रिवोविरिडे, ये हमें एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगा और प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन है जो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो वायरसेस है ना, तो उनकी अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अगर वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है लेकिन विदाउट एनवलप है, एनवलप नहीं है उसके, जो बाहर से जो एनवलप होता है ना उसमें एनवलप्स नहीं है, तो कैसा होगा, तो एनवलप अगर नहीं है तो या तो वो आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होगी या तो लॉर्डशिप का पार्टिकल होगा। ठीक है, अगर आइसोमेट्रिक पार्टिकल है तो कैसे, तो एग्जांपल क्या है, टोबैको नेक्रोसिस वायरस है,
ठीक है, टोबैको नेक्रोसिस वायरस है। अगर रॉड शेप के पार्टिकल्स है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो वायरस एक्स है यहाँ पे, ठीक है, एक्स है न कि वाई है, वाई नहीं है यहाँ पे, एक्स है, याद रखना पोटैटो वायरस एक्स है इसमें। और बीन कॉमन मोजैक वायरस, जो बीन में कॉमन मोजैक वायरस होता है वो है। अब वायरसेस विद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम विद एनवलप, अगर उसमें एनवलप प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और क्या है उसमें, उसमें एनवलप प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल क्या है, रेप्डो वायरस ग्रुप है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था रेप्डो वायरस ग्रुप है, जो कि ह्यूमंस को भी कॉज कर रहा है, प्लांट्स को भी कॉज कर रहा है ना। तो वो कैसा है, वो कौन से उसमें है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम का है, उसमें एनवलप प्रेजेंट है और उसमें एनवलप प्रेजेंट, ठीक है। और एक और एग्जांपल है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, जो टोमेटो में स्पॉट होते हैं ना, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस वो भी कॉज करता है। नेक्स्ट वन है जो थर्ड है इसमें, वो आरएनए जो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो वायरसेस है, अगर वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो रिबोवायरस और फाइटोरिबोवायरस है, रिबोवायरस और फाइटोरिबोवायरस इसका एग्जाम्पल है। वायरस अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वायरस में, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल नहीं सिंगल, अगर वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो क्या है, जेमिनी वायरस ग्रुप है, मेज स्ट्रिक वायरस, ठीक है, मेज स्ट्रिक वायरस है। बंची बनाना बंची टॉप वायरस है और बीन गोल्डन मोजैक वायरस है, ठीक है। अगर वायरसेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस है वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो क्या है इसका बेसिकली जवाब, ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, राइबोसोम बेसिफॉर्मस वायरस। इसमें इस इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस है, बंची बनाना बंची टॉप वायरसेस है, ठीक है, और टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस है। सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेस, अब वायरल डिजीजेस के जो सिम्टम्स है, एक्सटर्नल सिम्टम वायरल डिजीज के, अगर हम एक्सटर्नल सिम्टम्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, मोजैक, मोजैक होता है, वो क्या होता है, अल्टरनेट ग्रीन और येलो पैचेस होने लग जाते हैं, जो ना लीव्स होते हैं, लीव्स में ना क्या होता है कि ग्रीन मतलब ग्रीन पैचेस भी बन रहे हैं और येलो पैचेस भी बन रहे हैं। अभी कभी आपने देखा होगा कि जो पत्ती है, पत्ती में हरे ऐसे छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं, ठीक है, और वही धब्बे टाइप के, हरे धब्बे भी है उसमें और येलो कलर के धब्बे भी है पत्ते में, येलो हरे दोनों देखेंगे ऐसे धब्बे धब्बे में, तो उस वो होता है मोजैक, ठीक है, वो मोजैक होता है। और ये किस में मिलता है, टोबैको मोजैक वायरस में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, टोबैको जो मोजैक वायरस है उसमें मोजैक देखने के लिए मिलता है। वेन क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग का मतलब क्या होता है कि जो टिश्यू है ना, वो टिश्यू कैसी होती है कि क्लोज टू जो टिश्यू है ना वेन से पास में होता है, तो वेन ना येलो कलर का वेन होता है, जो लीव्स का जो वेन होता है वो येलो कलर का होता है और बाकी पूरा एरिया ना ग्रीन कलर का होता है। तो वेन अगर येलो कलर का होगा तो हमें एकदम पूरा क्लियर तरीके से वेन दिखने के लिए मिल जाती है ना, लीव्स में वेन दिखने के लिए क्लियर तरीके से मिलती है, तो वेन क्लियरिंग होते हैं। तो किस में होता है, ओकरा में होता है, ओकरा क्या है, भिंडी है, ठीक है, तो वेन क्लियरिंग हमें इसी तरीके से ओकरा में देखने के लिए मिलता है, और ओकरा है भिंडी, फैमिली है मालवेसियसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और मालवेसियसी फैमिली से ही कॉटन भी बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है वेन बेंडिंग, वेन बेंडिंग क्या होता है, वेन में ना बेंडिंग होने लग जाती है, यानी कि जो टिश्यू है ना, टिश्यू अलॉन्ग विद वेन, टिश्यू वेन के साथ ही वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है, और जो टिश्यूज है ना बिटवीन द वेन, वेन के जो बीच बिटवीन में जो टिश्यू है ना वो कैसे होते हैं, वो क्लोरोटिक हो जाती है, वेन के बीच में क्लोरोटिक होगा, ठीक है, और अगर जो वेन के साथ टिश्यूज है वो ग्रीन रहेगा, वेन के जो साथ में जो भी टिश्यूज है वो ग्रीन रहेगा, लेकिन दो वेन के बीच में जो जगह खाली होती है ना वहां पे क्लोरोटिक आपको दिखने मिल जाएगा, ठीक है, क्लोरोटिक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है टोबैको लीफ कर्ल, टोबैको लीफ कर्ल, मोजैक में क्या था, टोबैको मोजैक वायरस था, वेन बेंडिंग में क्या है, टोबैको लीफ कर्ल है। नेक्स्ट है रिंग स्पॉट,
अब देखेंगे हम रिंग स्पॉन जो ना सर्कुलर क्लोरोसिस होता है, एक ना सर्कुलर क्लोरोसिस होता है, ग्रीन होता है सेंटर से, इसका एग्जांपल है पपाया रिंग स्पॉट। पपाया में रिंग स्पॉट होता है, इसमें सर्कुलर क्लोरोसिस होने लग जाता है, ग्रीन हो जाता है सेंटर से। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ सेल इन स्टेम। स्टेम है ना जो जो स्टेम होता है प्लांट में, उसमें क्या होता है, उसमें डेथ हो जाती है, ठीक है, मतलब नेक्रोसिस होने लग जाता है स्टेम की। स्टेम में जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसा एग्जांपल ये किसका एग्जांपल है, टॉप रॉट ऑफ पोटैटो, टॉप रॉट ऑफ पोटैटो है, इसका एग्जांपल है नेक्रोसिस। डिस्टोरेशंस या मालफॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो लीव्स है, फ्लावर है, जैसे लीव्स है, फ्लावर ट्विस्टेड हो जाता है, नैरो हो जाता है एंड से, टॉल मतलब ये इसमें रेड टेल अपीयरेंस हो जाती है, मालफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, मालफॉर्मेशन हो जाता है इसमें, किसमें हो जाता है, इस केस में। तो इसका एग्जांपल क्या है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। पपाया में ना जब लीफ कर्ल हो जाती है अंदर के तरफ ना, उसकी जो पपीता है ना, पपीता के जो पत्ते हैं वो अंदर की तरफ जब मुड़ने लग जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, डिस्टोरेशन, ये वायरस की वजह से होता है, लीफ कर्ल वायरस ऑफ पपाया, ठीक है। एनेशंस, एनेशंस का मतलब होता है मास ऑफ हाइपरट्रॉफिक टिश्यूज, मास ऑफ हाइपरट्रॉफिक टिश्यूज ऑन लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस में बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा मासेस मतलब सेल्स का बहुत ज्यादा काफी मास वो हो जाना, फॉर्मेशंस हो जाना, एनेशंस बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है, लीफ कर्ल ऑफ टोबैको में हमें ये देखने के लिए मिलता है, इसका एग्जाम्पल है। मास्ट सिम्टम्स, ठीक है, मास सिम्टम्स क्या होता है, ये कंटेन करता है, प्लांट कंटेन करता है वायरसेस को, बट क्या होता है, सिम्टमलेस होता है वायरस। प्लांट पे ना वायरस तो आया है लेकिन वो सिम्टम ही नहीं शो करता है, क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लांट ना सिम्टम ही नहीं शो करेगा, अगर वायरसेस प्लांट पे होने के बावजूद भी सिम्टम शो नहीं करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस आ गई, अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, देन जो सिम्टम्स है आपको प्लांट में इजीली सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इसी का एग्जांपल है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। अगर अगर 24 डिग्री से ज्यादा है तो, ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, ग्रेटर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो मास्ट वायरस है, वायरस शो करता है फिनोमिना ऑफ मास्किंग। सिम्टमलेस कैरियर, इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है ना वो शो करेगा कोई भी सिम्टम्स, वो शो नहीं करता, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है वो कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा। तो उसमें क्या होता है, तो जो ये जो सिम्टमलेस कैरियर है, यानी कि सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, वो शोइंग कर रहा है कोई भी ऑब्वियस सिम्टम्स ही वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लैटेंट वायरसेस, लैटेंट वायरसेस में क्या होता है कि जो वायरस है वो नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम, वो सिम्टम इंक्लूड ही नहीं कर, इंड्यूस ही नहीं कर रहा वो चीजें, वायरसेस इंड्यूस ही नहीं कर रहा है, इतना डेवलपमेंट होता है सिम्टम्स का कि जब कभी हमने फंजाई वगैरह में पढ़ा था कि इन्फेक्शन कॉज करता है ना, इनिशियल इन्फेक्शन कॉज करता है, पेनिट्रेट करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वो एरिया डेथ होने लग जाता है जब वो पेनिट्रेट करता है वायरसेस, उसमें स्पोर्स आता है, जर्मिनेट होता है, पेनिट्रेट होने करने लग जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो टॉक्सिन रिलीज करता है वायरस, ये फंजाई टॉक्सिन रिलीज करता है, जैसी टॉक्सिन रिलीज करता है तो सेल के आसपास का जितना भी एरिया है वो क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाता है, तो सेल के आसपास का एरिया डेड हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हमने वायरस उसमें फंजाई में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इंड्यूस ही नहीं करता है सिम्टम्स, मतलब ये ना प्लांट में ना सिम्टम्स ही नहीं दिखाता, फंजाई तो सिम्टम्स दिखा देता है प्लांट में कि वो जो एरिया है वहाँ पे डेड हो जाएगा, आपको इजीली सिम्टम्स दिखने लग जाएगा भैया यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस जगह पे फंजाई आ रही है, मतलब इस जगह पे किसी पैथोजन का अटैक है, है ना, पैथोजेनिक कॉज किया, लेकिन वायरस के केस में क्या होता है कि इंड्यूस ही नहीं कर रहा है सिम्टम्स को, दिखाई नहीं रहा है होस्ट में बहुत टाइम तक, काफी समय तक, जब तक उसको एक ऐसी कंडीशन ना मिल जाए कि जब तक उसको एक फेवरेबल कंडीशन ना मिल जाए तब तक वो सिम्टम्स ही नहीं शो करता, वो लेटेंट वायरस में रहता है। इसका एग्जांपल है टिस्टिजा वायरस, जो टिस्टिजा वायरस होती है
सिट्रस क्रॉप में, सिट्रस यानी कि जो संतरे मौसमी वगैरह होगी ना, इसमें ट्रिस्टिजा वायरस आता है। तो ट्रिस्टिजा वायरस स्वीट ऑरेंज में जो आता है वो, ठीक है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये। अब आते हैं हम इंटरनल, अभी तक हमने क्या बात किया, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल कॉज होता है, अब हम बात करेंगे इंटरनल। तो इंटरनल में क्या होता है कि सेल इंक्लूजर्स, जो सेल इंक्लूजर्स होती है ना, कि मतलब सेल का इंक्लूजन होना बॉडीज का, तो इसमें क्या होता है, एक्स बॉडी एमोर्फस एम्ब्रियोइड लाइक होता है, अमीबॉइड लाइक, जो एमोर्फस अमीबॉइड लाइक होता है एक्स बॉडी, और या फ्लैटेड क्रिस्टल प्लेट होता है, ठीक है, सेल का जो इंक्लूजन होता है या तो एमोर्फस अमीबॉइड टाइप का होगा या तो फ्लैटेड क्रिस्टलाइन प्लेट टाइप का होगा। और डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, डिस्ट्रक्शन होता है नॉर्मल टिश्यूज में, जैसे स्टेम में पिटिंग होना, स्टेम में आपको इजीली पिटिंग होना दिखने लग जाएगा स्टेम का, और इसका एग्जांपल है ट्रिस्टिजा वायरस है इसका एग्जांपल। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, अब बारी आती है कि जो मेथड है वायरसेस का, किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, या थ्रू आउट दी प्लांट में ये किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो इसके ट्रांसफर होने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल तरीका, आर्टिफिशियल तरीका होता है, ये आर्टिफिशियल है, ARTIFICIAL, सॉरी हाँ यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे CIAL, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से होता है, ये ARTIFICIAL है ना, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल, ठीक है, सॉरी हाँ आर्टिफिशियल, यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ गलत हो गया, ये ए आई के बाद आएगा। तो आर्टिफिशियल तरीके से होता है और नेचुरल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल तरीके से होगा और एक होगा नेचुरल वे से ट्रांसमिशन होगा इसका। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल तरीके से किस तरीके से होता है। आर्टिफिशियल तरीके से मैकेनिकली थ्रू सैप, सैप के थ्रू होगा, ठीक है, सैप के थ्रू, यानी कि जैसे अगर एक प्लांट का जो सैप है अगर आप रब करते हो इन्फेक्टेड जो लीव्स है, ठीक है, एक प्लांट की जो इन्फेक्टेड लीव्स है उसका जो सैप है अगर आप एक हेल्दी लीव्स के साथ उसको रब करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इजीली वायरसेस जो है इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। टोबैको एंड टोमेटो मोजैक वायरस, सबसे पहले टोबैको मोजैक वायरस में ये चीज देखी गई, सबसे पहले हमने टोबैको मोजैक वायरस है ना, इसी की वजह से हमने आइडेंटिफाई किया था कि टोबैको मोजैक वायरस की वजह से ही हमें वायरस के बारे में पता चला था कि ये मैकेनिकली ये सैप के थ्रू ये इन्फेक्टेड जो हम लीव को रब करते हैं हेल्दी लीव्स के साथ, तो इससे ये वायरसेस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है इसी में आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन, ग्राफ्टिंग। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना एक प्लांट, अगर हमने एक प्लांट लिया जिसका सियोन और रूट स्टॉक है, तो जो रूट स्टॉक है, अगर रूट स्टॉक फॉर एग्जांपल, अगर रूट स्टॉक इन्फेक्टेड है किसी प्लांट का रूट स्टॉक, ज्यादातर हम लोग ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं, मोस्टली ग्राफ्टिंग की जाती है किसमें की जाती है, फ्रूट क्रॉप्स में की जाती है। तो अगर फ्रूट क्रॉप्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एप्पल लिया, एप्पल का अगर आपने रूट स्टॉक लिया, ठीक है, तो एप्पल का अगर आपने रूट स्टॉक लिया और उसका मतलब एप्पल का ही आपने दूसरी वैरायटी का सियोन लिया, तो अगर रूट स्टॉक में ऑलरेडी इन्फेक्टेड है प्लांट, ठीक है, रूट स्टॉक लिया आपने ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और सियोन जबकि हेल्दी था, तो क्या होगा कि वो ट्रांसफर होगा इन्फेक्टेड से हेल्दी प्लांट में, वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप ग्राफ्टिंग करते हो इन्फेक्टेड प्लांट को, तो वो हेल्दी प्लांट में इजीली ट्रांसफर होने हो जाता है, ठीक है। जैसे सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस है एग्जांपल, टोबैको लीफ कर्ल वायरसेस है एग्जांपल है इसका, इन दोनों टोबैको लीफ कर्ल में इजीली हो जाता है, सिट्रस ट्रिस्टिजा में, अगर सिट्रस में जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह हम करते, शील्ड ग्राफ्टिंग की जाती है इसमें ना, तो जैसे अगर वो ग्राफ्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो इजीली ट्रांसफर हो जाता है इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर। नेचुरल ट्रांसमिशन, अब नेचुरल तरीके से किस तरीके से जो वायरसेस हैं उनका ट्रांसमिशन हो रहा है, एक तो कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिजिकली एरियल कॉन्टैक्ट ऑफ लीव्स, मतलब अगर लीव्स है ना
एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है, जैसे ऑर्चर्ड होता है, ठीक है, एक बड़ा सा ऑर्चर्ड होता है, तो बागवान जिसे कहते हैं, तो एक बड़ा सा ऑर्चर्ड है, अगर ऑर्चर्ड में फिजिकली अगर जो लीव्स है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है, अगर एक हेल्दी प्लांट है और एक इन्फेक्टेड है, तो फिजिकली अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है लीव्स, तो एरियल कॉन्टेक्ट के थ्रू, लीव्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, टोबैको मोजैक वायरस, पीवी वायरस, ठीक है. सीड, सीड प्रोपोगेटिंग मटेरियल, सीड के थ्रू भी, क्योंकि सीड क्या है, सीड अगर अगर जैसे समझ लो एक इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट अगर जैसे प्रोडक्शन हो रहा है उसमें, सीड का रिप्रोडक्शन हो गया इन्फेक्टेड प्लांट में, और इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है, सीड के वो इंटरनली सीड बॉर्न होता है वायरसेस, ठीक है, इंटरनल सीड बॉर्न में जो होता है ना वायरसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीन, काउपी, सोयाबीन, मोजैक वायरस, ये क्या होते हैं कि इंटरनली सीड के अंदर ही होते हैं ये वायरसेस प्रेजेंट होते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेटिंग मटेरियल से भी होता है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है जो आपका शुगर कैन हो गया, गन्ना, तो गन्ना के जो सेक्स होते हैं, ठीक है, कलम वगैरह जो हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में, सेक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर इन्फेक्टेड है, एक जो इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो उससे भी कॉज होता है, ठीक है. जैसे पीवीएक्स ट्यूबर, जैसे वाटी वायरस जो एक्स ट्यूबर है ना, तो उससे उसमें कॉज होगा. और नेक्स्ट वन है फेनेरोगैमी पैरासाइट. तो जो फेनेरोगैमी पैरासाइट है, तो इसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो ट्रांसफर होता है, तो जो वायरस है वो क्या होता है, तो फेनेरोगैमी पैरासाइट में क्या होता है कि वायरस का ट्रांसफर होता है बिटवीन अनरिलेटेड होस्ट से, ठीक है. जो वायरस होता है, तो जो वायरस है वो ट्रांसफर होता है अनरिलेटेड होस्ट, मतलब होस्ट का ना एक दूसरे, मतलब वायरस का मतलब होस्ट है जो होस्ट का एक दूसरे होस्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है, वायरस ट्रांसफर होता है. अगर एक प्लांट में है तो इजीली दूसरे प्लांट में, मतलब विदाउट रिलेशन ऑफ होस्ट का हुए वो ट्रांसफर हो जाता है. जैसे डॉडर, कसकटा कंपेस्ट्रिस, टोमेटो बुशी फ्रंट वायरस, ठीक है, कसकटा कैलिफोर्निका, इसमें क्या है, इसमें TSWV वायरस है, ठीक है. अब सॉइल, सॉइल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, नेचुरल जो ट्रांसमिशन है किसके थ्रू, कैसे हो रहा है, वो सॉइल के थ्रू हो रहा है, ठीक है. तो सॉइल में क्या होता है कि जो सॉइल ना वैरी करता है, जैसे 6 years इन अ सॉइल, ठीक है, जैसे वायरस है वो वाइबल रहता है 6 years, वैरी करेगा, लेकिन सॉइल टू सॉइल भी वैरी करता है, ये भी है इंपॉर्टेंट चीज. वायरस क्या होता है, वायबल रहता है 6 साल तक के लिए, ठीक है, 6 years इन अ सॉइल, सॉइल में 6 years तक रहता है. जैसे कि वीट मोजैक वायरस, वीट मोजैक वायरस है कि 6 साल भी अगर वो सॉइल में पड़ा है और उसको आप लिविंग होस्ट नहीं मिल रहा है तो भी वो वायबल है, मतलब तो भी वो 6 साल, अगर विद इन 6 ईयर के अंदर अगर कोई लाइव होस्ट मिल गया तो वो इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, तो वायबल रहेगा वो. पर जैसे कि और फंजाई, फंजाई जैसे लिविंग होस्ट, फंजाई में भी वायरसेस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो कुछ कुछ फंजाई ऐसी है जो वायरसेस को ट्रांसफर करती है, जैसे फंजाई में भी कॉज होता है, ट्रांसमिशन होता है फंजाई के थ्रू भी, जैसे सिंक्राइट्रियम एंडोबायोटिकम, तो ये पीवीएक्स वायरस को करती है, और ऑल्फीडियम ब्रासिकी जैसे टोबैको नेक्रोसिस वायरस को कॉज करता है, नेमाटोड, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो निमेटोड होता है ना, तो निमेटोड क्या करता है कि निमेटोड पंचर तो करता ही है प्लांट को, ठीक है, प्लांट को उसके साइड से, निमेटोड अपने साइड से पंचर करता है प्लांट को, और प्लांट को पंचर करता है, रप्चर करता है प्लांट को, ठीक है, मतलब प्लांट को रप्चर, मतलब सेल को रप्चर नहीं करता, वो पूरा प्लांट को है ना पंचर करता है, जैसे हम किसी को सुई, जैसे हम सुई चुभाते हैं ना, तो उस टाइप का वो प्लांट पे ना अपना स्टाइलेट को चुभाता है, और वहां से वो फिर सक करने लग जाता है, वो मतलब प्लांट के न्यूट्रिशन वगैरह को ना सक करने लग जाता है. तो निमेटोड क्या करता है, निमेटोड भी एक मीडियम होता है वायरस का ट्रांसफर करने में, एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में, जैसे अगर निमेटोड ने फॉर एग्जांपल अगर किसी हेल्दी प्लांट को पंचर किया, ठीक है, तो वहां से अगर उसने जैसे फैट वो सेल क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वगैरह सक किया, ठीक है, और फिर वो हेल्दी प्लांट की तरफ गया, तो निमेटोड से
वो एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट की तरफ को क्या होते हैं, वायरस ट्रांसफर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है नेपो वायरस। तो नेपो वायरस में क्या होता है कि एक ना ग्रेपफेन लीफ वायरस होता है। तो ग्रेपफेन लीफ वायरस होता है, इसमें जो लॉन्गिडोरस न्यूटस होता है ना, एटेन्यूटस होता है जो निमाटोड का, तो वो फॉर्म करता, वो कॉज करता है टोमेटो ब्लैक ग्रीन वायरस, ठीक है। और ज़िपिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़िपिनिमा जो इंडेक्स होता है वो ग्रेपफेन लीफ वायरस कॉज करता है। लॉन्गिडोरस, ज़िपिनिमा, ये जेनेरा है ना, ये जेनेरा नेपो वायरस को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब म्यूटो वायरस में क्या होता है, ट्राइकोडोरस सिलेंड्रिकस जो है निमाटोड, ये कॉज ये इफेक्टिव रहता है, ये हेल्प इफेक्टिव होता है कि टोबैको रैटल वायरसेस को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट वन है इंसेक्ट वेक्टर। अब आ रही आती है इंसेक्ट की। इंसेक्ट सबसे ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है एक हेल्दी प्लांट से वायरसेस को दूसरे हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, तो जो इंसेक्ट होता है ना, तो वो इंसेक्ट कॉज करता है, इंसेक्ट जो वेक्टर होता है, ठीक है। मोस्टली जो पोटेंशियल होता है वेक्टर्स में, इंसेक्ट में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट करता है एक पैरासाइट को, ठीक है। ये इंसेक्ट जो वेक्टर है ये मोस्टली मोस्ट पोटेंशियल होता है वायरस को ट्रांसफर करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट करता है एक पैरासाइट को, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट सक करता है अपने माउथ से, ठीक है। किसी भी जैसे इंफेक्टेड प्लांट है ना, तो इंफेक्टेड प्लांट में ये डिजीज प्लांट से ये क्या करता है, ये सक करता है, न्यूट्रिशन वगैरह लेता है और मोर एफिशियंट होता है, ठीक है। देन बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा एफिशियंट होता है। और इंसेक्ट का क्या होता है, बाइटिंग माउथ पार्ट होता है और माउथ पार्ट कैसे होता है, च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होता है इंसेक्ट में। और इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वायरस ट्रांसमिटेड होता है बहुत सारे, एक ना एक जो सिंगल वायरस है ना वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा बहुत सारे, सेवरल ऑफ इंसेक्ट उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर कोई एक ग्रुप का वायरस है तो ऐसा कई बार देखा गया है कि काफी जो सेवरल इंसेक्ट है ना उसको ट्रांसमिट करते हैं सिंगल वायरसेस को, ठीक है। तो जैसे ऑनियन येलो ड्रॉप वायरस है, तो 50 से ज्यादा स्पीसीज होती है जो एफिड की इसको ट्रांसफर कर सकती है। ऑनियन येलो ड्रॉप वायरस है, जो एक सिंगल जो वायरस है ऑनियन का येलो ड्रॉप वायरस, इसको 50 से ज्यादा स्पीसीज एफिड की, जो डिफरेंट स्पीसीज है एफिड मैजीपेसिकी, एफिड मेडवेस, ठीक है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, तो ये भी मतलब ट्रांसफर कर सकती है इसको, इसको इस वायरसेस को, ऑनियन येलो ड्रॉप वायरस को। और एक सिंगल इंसेक्ट में ट्रांसफर सेवरल वायरल डिजीजेस, और एक मैंने आपको बताया ना अभी माइजस परसी की, एक सिंगल इंसेक्ट वो 50 से ज्यादा वायरसेस के जो ग्रुप्स है उनको ट्रांसफर कर सकती है। जैसे वो फॉर एग्जांपल समझ लो कि जैसे ये ऑनियन येलो ड्रॉप वायरस है, इसको भी कर दिए, डिफरेंट वायरसेस है उनको भी कर दिए, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस को यही एक अकेला एफिड, सिंगल इंसेक्ट एफिड कर सकता है। तो इंसेक्ट वेक्टर इतना पावरफुल होता है वायरसेस को ट्रांसफर करने के लिए एक डिजीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट की तरफ। अब टाइप ऑफ वायरसेस, अब हम देखेंगे वायरसेस क्या क्या टाइप होता है। वायरसेस में पर्सिस्टेंट वायरसेस होता है, सर्कुलेटिव वायरसेस होता है, पर्सिस्टेंट भी होता है वायरसेस और नॉन पर्सिस्टेंट भी वायरस होता है। पर्सिस्टेंट वायरस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो कि बहुत लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक कह सकते हो आपकी एंटायर लाइफ तक, ठीक है, थ्रू आउट दी लाइफ तक ना, ये क्या होता है वेक्टर में रहता है, पर्सिस्टेंट करता है, रिटेन रहता है लॉन्गर पीरियड तक वेक्टर में, और समटाइम पास होता है एक प्रोजेनी से, ठीक है, वेक्टर में एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में भी ये पास होता है कभी कभी, ठीक है, और ट्रांसमिटेड होता है बाय माउथ पार्ट, माउथ पार्ट से ये वायरस ट्रांसमिट करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना मोल्टिंग स्टेज में भी हो रहा था, मैंने आपको बताया था लास्ट इसमें कि मोल्टिंग स्टेज में भी वायरसेस पास करता है ना। तो वैसे ही कि जब इंसेक्ट का मोल्टिंग स्टेज आता है तो एक मोल्टिंग स्टेज से दूसरे मोल्टिंग स्टेज में, मैंने फाइटोप्लाज्म में आपको बताया था, तो उसी 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 तरीके से कि ये
एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में भी ये ट्रांसमिटेड करता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, माउथ पार्ट से ट्रांसमिट करता है। सर्कुलेटिव वायरस, तो इसमें क्या होता है, वायरस एंटर करता है वेक्टर में थ्रू माउथ पार्ट, माउथ पार्ट से एंटर करता है वेक्टर के अंदर, ठीक है। वेक्टर के जैसे कोई इंसेक्ट है उसके माउथ पार्ट से वो वेक्टर के अंदर आ गया, उसके इंसेक्ट के अंदर आ गया, एक्यूमुलेट करता है इंटरनली, ठीक है, और पास थ्रू करता है इंटरनली, उसके अंदर जाता है वायरस इंसेक्ट के अंदर, और टिश्यू, उनका जो टिश्यू है ना वो इंटरव्यू, वो क्या कहता है, जो टिश्यू है ना, मतलब प्लांट में जाने से पहले, ठीक है, इंट्रोड्यूस होने से पहले, तो वो क्या होता है, वो उसके जो इंसेक्ट के माउथ पार्ट है ना, माउथ पार्ट में रहता है, ठीक है, माउथ पार्ट में रहता है, और जैसे ही वो सक करता है प्लांट को, तो वो प्लांट में इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल है बार्ले येलो ड्राफ और पोटैटो लीफ रोल वायरस। अब आते हैं नॉन परसिस्टेंट पे, तो जो नॉन परसिस्टेंट होता है, जिसे हम स्टैलेट बॉर्न वायरस भी बोलते हैं, तो जो नॉन परसिस्टेंट होता है, तो नॉन परसिस्टेंट वायरस में क्या होता है, स्टैलेट बॉर्न वायरस होता है। नॉन परसिस्टेंट में ये एक स्टैलेट बॉर्न वायरस होता है, ये स्टैलेट बॉर्न वायरस होता है। तो इसमें क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट वायरस में एक वायरस है विच इज नॉट रिटेन फॉर नॉट मोर देन अ फ्यू आवर्स बाय अ वेक्टर। हमने परसिस्टेंट में क्या देखा था कि वो वेक्टर के अंदर काफी लंबे समय तक, इवन तो उसकी लाइफ तक भी वो उसके अंदर रिटेन रहता है, वायरस के अंदर रहता है वो, ठीक है। जैसे हम कोई केमिकल खाते हैं, ठीक है, हम कोई ड्रग लेते हैं, तो ड्रग क्या होता है कि हमने काफी बार ये भी देखा किया है कि कुछ ड्रग ना जैसे हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं ना काफी ड्रग, बट कुछ ड्रग हमारी लाइफ मतलब जीन में अंदर तक रहते हैं, थ्रू आउट दी लाइफ हमारे रहते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में वो ड्रग प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट दी लाइफ, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो वायरस है परसिस्टेंट में क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ रहता है, लेकिन नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, कुछ समय तक के लिए ये क्या होता है, ये उसके अंदर रहता है, मोर देन अ फ्यू आवर्स तक ही रह पाता है एक किसी वेक्टर के अंदर, कुछ समय तक के लिए ही रह पाता है, ठीक है। स्टैलेट बॉर्न जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है, वायरस थॉट टू बी ट्रांसमिटेड बाय स्टैलेट विदाउट एंटरिंग एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर एंटर नहीं होता है, लेकिन ट्रांसमिट होता है किससे, स्टैलेट से होता है, ठीक है, एंटर नहीं होता, मतलब इंसेक्ट के अंदर नहीं जाएगा लेकिन उसके स्टैलेट में रहेगा वायरस, उसको हम बोलते हैं स्टैलेट बॉर्न वायरस। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा था कि इंसेक्ट के अंदर आ रहा था, उसकी बॉडी के अंदर आ रहा था, रिटेन रह रहा था, है ना, लेकिन इस केस में स्टैलेट बॉर्न में क्या होता है, उसकी जो स्टैलेट होती है ना, बस वहीं तक वो प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर नहीं जाता। कुकुम्बर बीन चीनी मोजैक वायरस, राइस ट्यूमर वायरस उसके एग्जांपल्स है। अब सेमी परसिस्टेंट वायरस का मतलब होता है कि वायरस ना कुछ दिनों तक रहता है। अभी तक क्या देख रहे थे हम नॉन परसिस्टेंट में कि वायरस ऐसा है जो वो क्या हो रहा था, वो मतलब कुछ ही घंटे तक रह पा रहा है, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि जो वायरसेस है वो कैसा है, वो कुछ दिनों तक, मतलब वो कुछ दिनों तक रह रहा है वायरसेस। तो इसमें क्या होता है, वायरस डू नॉट पास थ्रू प्रोजेनी। इसमें एक और चीज है कि वायरस प्रोजेनी में भले 30 दिनों तक रह रहा है, प्रोजेनी में पास नहीं रहा। और हमने जो परसिस्टेंट वाला देखा था उसमें क्या हो रहा था, पास हो रहा था प्रोजेनी में, ठीक है, प्रोजेनी में पास हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परसिस्टेंट में प्रोजेनी में पास होता है, सेमी परसिस्टेंट में प्रोजेनी में पास नहीं होता है, और नॉन परसिस्टेंट में तो प्रोजेनी तक जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कुछ ही घंटों तक के लिए वो उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। परसिस्टेंट में काफी लंबे समय तक थ्रू आउट द लाइफ भी कह सकते हो प्रेजेंट होता है वायरस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। सेमी परसिस्टेंट में क्या होता है, कुछ दिनों तक ही प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोजेनी से पास नहीं होता है। और परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, कुछ घंटों तक के लिए होता है और प्रोजेनी में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सेमी परसिस्टेंट वायरस का कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस का जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब नेक्स्ट वन है प्रोपोगेटिंग वायरसेस। प्रोपोगेटिंग वायरसेस में क्या होता है, सर्कुलेटिंग वायरसेस है वो मल्टीप्लाई करता है वेक्टर के अंदर, जो वायरसेस है वो मल्टीप्लाई करता रहता है वेक्टर के अंदर, सैटेलाइट वायरसेस। अब जो सैटेलाइट वायरसेस है
तो सेटेलाइट वायरसेस से क्या होता है, वायरसेस एसोसिएट होता है हेल्पर वायरसेस से और डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और इन्फेक्शन के लिए. एक ना हेल्पर वायरसेस होता है उसके साथ ही एसोसिएट होता है सेटेलाइट वायरस, और इसको रिक्वायर्ड होता है कि मल्टीप्लिकेशन और इन्फेक्शन के लिए ना उस पर डिपेंडेबल रहता है, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए हेल्पर वायरस पर डिपेंडेबल रहता है, सीएमवी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस. ठीक है, विरोइड्स. विरोइड्स क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. विरोइड्स यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, यानी ये लिविंग प्लांट में ही कॉज करते हैं. लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लोअर होता है. न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें प्रेजेंट. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है विदाउट प्रोटीन कोट. जो प्रोटीन का जो कोट बना होता है ना, उसमें वायरस से हमने क्या देखा था, प्रोटीन कोट प्रेजेंट था. इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता है. ये रेप्लिकेट करता है खुद से ही डेमसेल्स एंड कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट, और विरोइड्स सिर्फ प्लांट में ही डिजीज कॉज करता है. अभी तक हमने क्या देखा था, वायरसेस है वो एनिमल्स में भी, आर्थ्रोपॉड्स में भी, प्लांट में भी डिजीज कॉज कर रहा है. जो विरोइड्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में डिजीज कॉज करता है. ठीक है, एग्जाम्पल है डिनर, नहीं सॉरी, जो डाइनर है, जो साइंटिस्ट है डाइनर, 1971 डाइनर ने बताया था कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया विरोइड को, पहली बार इन्होंने विरोइड को ऑब्जर्व किया जो कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है ये किससे कॉज होता है, वायरस से, विरोइड से, प्रोटोप्लाज्म से, है ना, प्रोटोप्लाज्मा से या स्पायरोप्लाज्मा से. तो इसका आंसर है विरोइड से ही होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड से होता है. तो अबाउट 20 प्लांट डिजीज आर नोन टू बी कॉज बाय विरोइड. अभी तक 20 प्लांट डिजीज ऐसे देखे गए हैं जो कि विरोइड से कॉज होता है. ठीक है, और विरोइड कैसा है, विदाउट प्रोटीन कोट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विरोइड में प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता है. यही प्रोटीन कोट यही प्रोटीन कोट किससे प्रेजेंट होता है, ये वायरस से प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है. इसमें भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, वायरस में भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन विरोइड का न्यूक्लिक एसिड कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, फिर सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये चारों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ और सिर्फ कॉज करेगा डिजीज प्लांट को, वायरसेस ह्यूमन बींग को भी कॉज कर रहा है डिजीज. ठीक है, ह्यूमन बींग को भी कॉज करता है डिजीजेस और प्लांट्स को तो करता ही है. इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम विरोइड की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम. ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, लिविंग प्लांट में कॉज करता है. स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट है प्लांट डिजीज का, सबसे छोटा इन्फेक्शियस एजेंट कह सकते हैं इसे हम, प्लांट डिजीज का सबसे छोटा इन्फेक्शियस एजेंट है. और लैक ऑफ प्रोटीन कोट, प्रोटीन का जो कोट है, अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन कोट नहीं होता है. और जीनोम इसका कैसा है, सर्क्यूलर है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड है इसमें आरएनए. ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है. ट्रांसमिशन होता है मैकेनिकली थ्रू सैप से होता है, या तो एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ही ट्रांसफर होता है, सैप से होगा. ठीक है, लीफ के प्लांट के सैप से एक के दूसरे से, या तो फिर ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होगा. नन ऑफ द विरोइड, कोई भी विरोइड एनिमल या ह्यूमन को डिजीज कॉज नहीं करता है. मैंने आपको बताया ना, वायरसेस एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी और प्लांट को भी डिजीज कॉज करता है, लेकिन जो विरोइड है वो एनिमल्स को और ह्यूमंस को डिजीज कॉज नहीं करता है. कैन सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट और डेड प्लांट डेब्रिस फॉर अ फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स, ये सर्वाइव भी कर सकता है. जैसे जो होस्ट है ना प्लांट, अगर डेब्रिस वगैरह है प्लांट के, डेब्रिस जो डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो उसमें भी होस्ट के बाहर में भी सर्वाइव कर सकता है और डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर में भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसका समय होता है कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक ही ये सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता. क्यों, इट रिक्वायर्ड, इसे जरूरत है एक लिविंग होस्ट की. अभी हमने पढ़ा ना ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये,
ऑब्वियसली बात है ऑब्लिगेट पेराइटिसाइड है, उसको नहीं पहुंचते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो ये है। लेकिन ये भी है कि आउटसाइड होस्ट और डेड ये डेड प्लांट्स में ये कुछ मिनट से कुछ समय तक रहता है। रेजिस्टेंस है हाई टेम्परेचर, आप कितना भी हाई टेम्परेचर दो ये उसके लिए रेजिस्टेंट रहता है। ये काफी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि रेजिस्टेंस है हाई टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर लेता है। अब इम्पोर्टेंट डिजीजेस कि कौन सी इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं जो कि कॉज करे, तो जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं इसमें इसमें क्या होता है कि कोकोनट केडांग केडांग, ठीक है, कोकोनट केडांग केडांग सीसीबी जिसको हम बोलते हैं, कोकोनट केडांग केडांग शॉर्ट फॉर्म में वीरॉइड है ये, तो कोकोनट में जो नारियल का पेड़ होता है उसमें कॉज करती है। और ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, जो नारियल का सीड है या पोलन है ना, तो जो पोलन अगर इन्फेक्टेड है, जैसे कोई ट्री इन्फेक्टेड है, तो उसका जो पोलन है ना तो वो ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करेगा या तो सीड है बीज वगैरह उससे ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट वन है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है ना, तो पीएसटीवी वीरॉइड है ये मैकेनिकली और सीड से और पोलन से। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर मैकेनिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैकेनिकली होता है, ठीक है, मैकेनिकली भी होता है कि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम इम्प्लीमेंट जैसे यूज करते हैं ना, तो अगर एक इम्प्लीमेंट में अगर ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लांट में आप उस इम्प्लीमेंट को आपने यूज किया, देन आप उसको एक हेल्दी प्लांट में मूव ऑन कर रहे हो, तो उसके वजह से भी कॉज होता है, ठीक है। और इन्फेक्टेड जो सीड्स है पोलन है उनके वजह से भी ये कॉज होता, उनकी वजह से भी अफेक्ट करता है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ट्रांसमिशन होता है। अब थर्ड वन है सिट्रस एक्सोकॉटिस्ट, तो इसमें क्या होता है, सिट्रस जो एक्सोकॉटिस्ट है तो इस डिजीज में क्या होता है, एक्सोकॉटिस्ट यानी कि ऐसे ना सिट्रस जो प्लांट होता है ना, जो उससे ना वो निकलने लग जाता है, मतलब ऐसे ना ऐसे मतलब गम टाइप की चीजें ना निकलने लग जाती है, इस केस में ये भी देखा गया कि ऐसे गम टाइप की चीज निकलने लग जाती है, तो ये भी मैकेनिकली और सैप के थ्रू ट्रांसफर होता है। अगर जैसे इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड में एक जैसे ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड में अगर कुछ प्लांट्स इन्फेक्टेड है तो उसमें अगर आपने कोई इम्प्लीमेंट यूज किया, वही इम्प्लीमेंट आप उससे हेल्दी प्लांट में यूज करें तो देन इट इजीली गेट ट्रांसफर। एंड सैप, इवन दो सैप अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट की लीव्स है, दूसरी आप लीव में आप उसको अगर वो रब हो जा रही, फिजिकली अपने आप रब हो जा रही, एरियल टू जैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट में ट्रीज वगैरह जैसे लीव्स वगैरह रब हो जाती है क्योंकि आसपास होती है, इसलिए बोलते हैं प्लांटिंग जो डिस्टेंस है मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगर एक एक, एक प्लांट इन्फेक्टेड हो तो उसकी वजह से जो आगे दूसरी प्लांट से वो इन्फेक्टेड ना हो पाए, तो प्लांटिंग डिस्टेंस वी शुड हैव टू मेंटेन द प्लांटिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें जो सिट्रस होता है तो सिट्रस में मैकेनिकली और सैप के थ्रू ये इजिली ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वन है प्रेजेंटिमम एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लोरिकल्चर मतलब ये फ्लावर है ये, तो क्रेजेंथेमम का बहुत मतलब क्रेजेंथेमम काफी इम्पोर्टेंट फ्लावर है, कट फ्लावर्स भी ये आए थे नहीं, तो जो क्रेजेंथेमम है इसमें काफी इम्पोर्टेंट होता है, इसमें स्टंट हो जाता है प्लांट जो क्रेजेंथेमम का प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सैप के थ्रू होता है, जैसे जो कि पॉली हाउस वगैरह होता है, पॉली हाउस में हम कंट्रोल कंडीशन में जब हम प्रेजेंटिमम को ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सैप अगर जैसे प्लांट्स अगर बहुत आसपास है इन्फेक्टेड है और बहुत ज्यादा है, तो एक के लीफ से दूसरे के लीफ में सैप्स रबिंग फिजिकली एरियली जो रबिंग होता है सैप्स का उसके थ्रू भी ये कॉज करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डिफ्रेंशिएशन जो बिटवीन है वायरस और वीरॉइड का, वो सबसे हमें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है इसमें, इस पूरे लेक्चर में वायरस और वीरॉइड का डिफरेंशिएशन, इवन दो टाइप्स ऑफ वायरस, वायरसेस के तीन टाइप्स होते हैं, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, सेमी परसिस्टेंट, ठीक है, वायरसेस के टाइप्स, इवन दो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वायरस का होम ट्रांसमिशन या वीरॉइड का ट्रांसमिशन है, किस तरीके से इनका ट्रांसमिशन हो रहा है आर्टिफिशियल नेचुरल तरीके से। अब सिम्टम, जो सिम्टम कॉज होते हैं कि वायरसेस क्या क्या सिम्टम कॉज करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन वायरसेस का,
जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, इम्पॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और वायरसेस में जो बहुत वायरसेस वैसे तो काफी छोटा है, बट स्टिल इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो भी अभी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको, तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और यू शुड हैव टू लर्न इट बाय हार्ट ये एग्जाम्पल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वायरस और वीरोइड में कंफ्यूजन नहीं होना है। वीरोइड में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रेजेंट होता है, और विदाउट प्रोटीन कोड है वो, ठीक है। विदाउट प्रोटीन कोड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रेजेंट है। जबकि वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में सारे ही जो जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्टैंडर्ड बोलो आपका, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो वायरसेस हैं ये जो वायरस है वो 6 साल तक वायबल रह सकता है ना। हमने देखा था 6 साल तक वायरसेस वायबल रह सकता है, लेकिन जो वीरोइड है ये कुछ मिनट से लेकर कुछ सेकंड तक ही होस्ट के बाहर या डेड डिकिंग प्लांट पे रहता है, उससे ज्यादा ये रह नहीं पाता है। और जो वीरोइड है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो वायरस और वीरोइड में, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया पॉइंट, और आखिरी का ये पॉइंट कि वीरोइड सिर्फ प्लांट को डिजीज कॉज करता है, और वायरसेस वो प्लांट को भी और एनिमल्स को भी, अर्थोपॉड्स को भी डिजीजेस कॉज करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।